मानसून की बात करें तो उत्तर भारत समेत कई राज्यों में अभी तक और हीट वेव का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो पूरे देश में दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लोक की स्थिति दर्ज की गई है, लेकिन बाकी जगहों पर अब बारिश और सुहावने मौसम ने दस्तक दे दी है। भारत के कई राज्यों में लोगों ने भीषण गर्मी से राहत मिल चुकी है। दिल्ली NCR और पंजाब हरियाणा में कई दिनों के बाद न्यूनतम पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया। मौसम विभाग ने बताया कि इन राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से लेकर 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। वहीं पंजाब और हरियाणा दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। देश में सबसे अधिक तापमान बृहस्पतिवार को हरियाणा के सिरसा में 43.8 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिनों में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों जैसे झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के अधिकांश इलाकों में मॉनसून पहुंच जाएगा। वहीं असम और बिहार में चक्रवात की स्थिति बन सकती है, इस कारण उन इलाकों में तेज बारिश भी हो सकती है। बता दें कि बिहार के कुछ इलाकों में 20 से 24 जून तक भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बंगाल, बिहार और झारखंड के अधिकांश इलाकों में मॉनसून का प्रभाव हल्की से मध्यम दर्ज की जा रही है, जिसे कहीं न कहीं तेज बारिश हो सकती है और कहीं हल्की फुल्की बारिश। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में 23 और 24 जून को भी भारी बारिश का अनुमान है।